बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जाम्पल वन, और एंड पर हम देखते हैं कि हमारा टॉपिक कौन सा बनता है। तो अब इस एग्जाम्पल को आपने क्या करना है कि वही तरीकाकार है जैसे आपने पिछली एग्जाम्पल्स वगैरह देखी हैं इस चैप्टर की, जो कि चैप्टर नंबर 2 है, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, जो कि बिजनेस मैथमेटिक्स से है। तो इस पर आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करें और पॉज करने के बाद इसको आप रीड करें, उसमें देखें कि इसका क्या क्या हमें गिवन है और क्या हमें इसमें फाइंड करना है, वो आप यहाँ पर गेस कीजिए इसको। तो आइए हम शुरू करते हैं इसको, प्रॉब्लम को। वो बात कर रहा है फाइंड द अमाउंट, फाइंड द अमाउंट, अमाउंट हमें फाइंड करनी है। और चूंकि पूरा क्वेश्चन पढ़े तो हमें समझ लग जाती है कि ये एन्युटी का क्वेश्चन है, तो इसमें अमाउंट जो होती है वो होती है अकोमुलेटेड अमाउंट, जिसको खाली अमाउंट भी कहा जाता है, अकोमुलेटेड अमाउंट भी कहते हैं, टोटल अमाउंट भी कहते हैं, फ्यूचर वैल्यू भी कहते हैं, सम भी कहते हैं। तो मतलब इनको आपने इसी तरीके से इसको याद कर लेना। तो वो कहता है फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एन्यूटी ऑफ रुपीज 1200 पेबल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर फॉर 15 ईयर्स एट द रेट ऑफ 8% कंपाउंडेड एनुअली। मतलब क्या है इसके अंदर कि आपको जो फ्यूचर वैल्यू है एन्यूटी की वो फाइंड करनी है, और वो आपने 1200 रुपया पे करना है साल के शुरू में। अब शुरू में यहाँ से पता चल गया कि जो बिगिनिंग पर पेमेंट हो रही है 1200 रुपए, अब ये 1200 ईच ईयर है, यहाँ से पता चला कि एन्यूटी है और बिगिनिंग है, तो इससे पता चला कि कौन सी एन्यूटी है। तो ये है एन्यूटी ड्यू, 415 ईयर एन मिल गया एट 8%, आई मिल गया कंपाउंडेड एनुअली, सालाना ही कंपाउंडेड है, तो मतलब ये पहले ही साल में, क्योंकि इसके साथ पर एनम नहीं लिखा, तो मतलब ये एनुअली ही कंसिडर होगा। इसमें एन भी है, आई भी है, आर भी है, और एफ भी आपको फाइंड करना है, लेकिन आपका एन्यूटी ड्यू का। अब आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे कि इसमें जो है फॉर्मूला कौन सा रहेगा। तो अगर आपको ऑर्डिनरी का फॉर्मूला याद है फ्यूचर वैल्यू का, तो इसका भी आपको पता होगा, सिंपल 1+i उसके साथ मल्टीप्लाई होना है, दैट्स इट। तो अब क्या फॉर्मूला है, एफ वी इज इक्वल टू आर इंटू 1+i की पार एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय आई, और उसको होल को मल्टीप्लाई करेंगे 1+i के साथ। और ये 1+i क्यों है, फॉर्मूलाज में मैंने बताया हुआ है कि इसके अंदर चूंकि बिगिनिंग पर आप पेमेंट करते हो, तो इसके अंदर इसकी जो इंटरेस्ट है वो एक पीरियड का ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू द ऑर्डिनरी, क्योंकि साल के शुरू में, जैसे आप देखो 2015 है, 2015 के शुरू में अगर किया जाए और 5 साल के लिए आप करें, तो 2015 का भी इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि 2015 के स्टार्ट पे किया गया। लेकिन यही पेमेंट अगर 2015 के एंड पर की जाती, तो उसका क्या मतलब था कि उसको 2015 का फिर इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलना था। तो ये है, तो इसलिए इसके अंदर एक फैक्टर जो है वो ज़्यादा आता है, दैट्स वाई कि 1+i इसके साथ हम वो लिखते हैं। तो इसकी फ्यूचर वैल्यू भी ज़्यादा बनती है, ऑर्डिनरी एन्युटी जो होती है उसकी फ्यूचर वैल्यू कम होती है ऑर्डिनरी की एन्युटी ड्यू से, या हम ये कह सकते हैं कि एन्युटी ड्यू जो है उसकी जो फ्यूचर वैल्यू है वो ऑर्डिनरी से ज़्यादा बनती है, ठीक है। और वो हम इसमें देखेंगे, पिछला क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे। तो आइए हम इसका सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और आर 1200 है, एन 15 ईयर्स है, आई 8% है, फ्यूचर वैल्यू आर इंटू 1, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू आर इंटू 1+i की पावर एन माइनस 1 होल डिवाइड बाय आई इंटू 1+i, ठीक है। आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आर की जगह 1200 आ जाएगा, 1 आ गया, इसके जगह 8% आ गया, और 15% आ गया, माइनस 1 8% या 1+8%, परसेंटेज ख़त्म करनी है। तो आपको इसके अंदर क्या करना है कि आपको 100 पे डिवाइड करना है, तो ये 0.08 आ जाएगा, तो वो बन जाएगा 1+0.08 और इसकी पावर 15 माइनस 1, और ये भी 0.08 और ये 1+0.08, ठीक है। 100 पे डिवाइड करने से ये 0.08 हो गया। अब इसको आप ऐड करो तो 1.08 आएगा उसकी, अगर आप 15 पार ले लो तो वो बनेगा 3.1722 माइनस 1 और 0.08, और इसके आप ऐड होने के बाद 1.08। अब इसको आप माइनस करो तो ये 3 में से ये माइनस हो गया, तो 2.1722 बन जाएगा, 0.08 और 1.08 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इसको अगर आप कर दें डिवाइड, ये 1200 एज इट इज आ गया, इसको डिवाइड करें तो ये 27.1522 आता है, ये आता है 1.08, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 35,000 क्या बनेगा, 35,189.64 रुपीज़, यानी मेरे ख्याल में 199 इसको शायद कहा जाता है, तो 35,199.64 ये इसकी रुपीज़ में, आप चाहो तो यहाँ पे रुपीज़ लिख सकते हो, ये इसकी फ्यूचर वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा इसका फ्यूचर वैल्यू अमाउंट के हिसाब से, तो क्वेश्चन तो यहाँ सॉल्व हो गया। अब मेन जो बात इसके अंदर है ना अंडरस्टैंड करने वाली, वो ये है कि एक बात तो ये है कि आपने अगर पिछले प्रॉब्लम्स देखे हैं, मतलब एक तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि हमारा टॉपिक आज का कौन था, टॉपिक था हमारा
कैलकुलेशन ऑफ द फ्यूचर वैल्यू अंडर एन्यूटी ड्यू, यानी हम एन्यूटी ड्यू के केस में अब हम फ्यूचर वैल्यूज की निकाल रहे हैं, तो वो फ्यूचर वैल्यू हमने निकाली है। अच्छा, अब इसमें देखो कि इसके अंदर जो फ्यूचर वैल्यू है वो पिछली प्रॉब्लम जो कि हमने ऑर्डिनरी में निकाली थी उससे ये ज़्यादा आ रही है। वहाँ आ रही थी, अगर आपने पिछले लेक्चर देखें तो मेरा ख्याल है जहाँ तक वहाँ कुछ 32,000 कुछ आ रही थी, यहाँ पे आ रही है 35,000 कुछ, तो मीन ज़्यादा आ रही है। और ये ज़्यादा क्यों आ रही है, वो इंटरेस्ट फैक्टर जो कि इसका बिगिनिंग पर आना आया था उसकी वजह से आ रही है। डन। तो पेमेंट यानी ऑर्डिनरी में एंड पर की जाती है और इसमें पेमेंट स्टार्ट पर की जाती है। प्लान तो वही 5 साल का ही चलता है उसी तरीके से, लेकिन उसमें प्लान ले लिया जाता है लेकिन पेमेंट एंड पे होती है। इसमें प्लान ले लिया जाता है और पेमेंट उसी वक्त की जाती है, ये है इसके अंदर मेन डिफरेंस। तो इसकी वजह से इसको इंटरेस्ट एक पीरियड का ज़्यादा मिलता है, चाहे वो मंथली हो तो एक मंथ का ज़्यादा मिलेगा, क्वार्टरली होगा तो एक क्वार्टर का ज़्यादा मिलेगा, सेमी एनुअल हुआ तो सेमी एनुअल का इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, ईयरली हुआ तो एक ईयर का या एक एनुअल का उसको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। और तो चूँकि ज़्यादा मिल रहा है तो फ्यूचर वैल्यू भी इसकी ज़्यादा आनी है। तो ये था जी इसके अंदर। और बाकी कोई क्वेश्चन और क्यूरी हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें, कमेंट्स जो है वो बहुत ज़रूरी हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़कर आप लोगों के, और इससे बड़ा एक अच्छा फीडबैक हमें मिलता है। और उस फीडबैक जितना अच्छा मिलेगा उसमें क्लियर कट आ पता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हमेशा कोई तारीफ़ों के पुल बांधें, जो अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ज़रूर आप लिखें, कुछ नहीं जाएगा। और आई अप्रिशिएट कि आपके जो कमेंट्स होते हैं जिसको लोग कह रहे थे कि नेगेटिव है, वो नेगेटिव मेरे लिए नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। मैं अक्सर हम वीडियो में कहता हूँ कि आपको नहीं अच्छी लगी तो आप वीडियो को डिसलाइक करें, और वो ज़रूरी है कि ऐसे ना हो कि एक वीडियो हमने सही नहीं बनाई या हम किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए तो उसके लाइक का तो फ़ायदा ही कोई नहीं है। लाइक डिसलाइक से हाँ ठीक है कि अगर लाइक आते हैं तो उससे ज़रा थोड़ा सा बंदे को मोटिवेशन मिल जाती है कि लोगों को पसंद आ रही है, लेकिन अगर आपको वाकई बुरी लग रही है, कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको आप अगर डिसलाइक कर रहे हो तो कमेंट्स में एटलीस्ट जरूर लिखो, क्योंकि खाली डिसलाइक से तो कोई पता नहीं चलता कि क्यों डिसलाइक किया। हाँ, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कुछ नहीं जाता है, कमेंट्स लिखने से कुछ नहीं जाता है। आप कमेंट्स लिखें, पोस्ट करें, हम उसमें पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में एटलीस्ट, उसमें अगर नहीं हो सका तो नेक्स्ट में तो हम उसको मजीद थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं। तो बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।